हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रास वर्ल्ड। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ माइक्रोवेन में वेट की ग्रिल फिश। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी मेरे दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, तो मैंने माइक्रोवेन में बना रही हूँ ना। मैंने कहा था ना, जब भी मैं माइक्रोवेन में कुछ बनाऊंगी उसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने पहले ही फिश को मैरिनेट कर रही हूँ। फिश को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, उसके ऊपर नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया, पुदीना की पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस और विनेगर के साथ उसको पहले मैरिनेट कर रही हूँ। तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और इसके बाद मैं इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेटअप हो जाए और इसके बाद मैं बनाऊंगी फैट की ग्रिल फिश। एक घंटा हो चुका है, मैंने मैरिनेट किया हुआ फिश को बाहर निकाल लिया है और एक माइक्रोवेव सुरक्षित डिश पे इसको रख रही हूँ। देखिए इसको ऐसे अच्छे से ताकि एक के ऊपर एक चिपक ना जाए, ऐसे आप रख सकते हो। और उसके बाद 60 डिग्री पावर पर इसको 5 से 6 मिनट तक माइक्रोवेव कर लूँगी। तो देखिए ये मेरा LG माइक्रोवेन और ये देखिए मैंने माइक्रो बटन दबा दिया है और 60 पावर पे सेटअप कर दिया है। और अभी मैं इस फिश को अंदर रखूँगी। उसके बाद मुझे इस पे टाइम सेट करना है। देखिए मैंने 5 मिनट का टाइम इसमें सेट किया है, 6 मिनट का, और अभी इसको 6 मिनट तक माइक्रोवेव करने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए 6 मिनट हो चुका है और यहाँ से सिग्नल आ गया है, यहाँ से एक आवाज़ आता है कि आपका ये बन चुका है। तो चलिए मैं फिर इसको निकाल लेती हूँ। अभी इसको ग्रिल करना है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी तो पहले मैंने इसको माइक्रोवेव मोड पे रखा था। अभी मैं फिश को बाहर निकालूंगी। अभी मैंने मछली के दोनों ओर तेल लगाकर उसको हाई रैक पर रख दिया है। अभी इसको ग्रिल मोड पर 10 से 15 मिनट तक ग्रिल करना है तो मेरा फिश बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने हाई रैक पर रख दिया है इसको। आप एक ही बार में 10 से 15 मिनट तक का टाइम फिक्स कर सकते हो और बार बार उसको खोल के पलट के देख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 7 मिनट का ही टाइम फिक्स किया है और उसके बाद एक बार फिश को पलट के फिर से 7 मिनट का टाइम सेटअप कर दूंगी। तो मैंने ऐसे ही बना है। आपको LG माइक्रोवेन के साथ एक बुक मिल जाता है, रेसिपी बुक, जिसमें सारे मतलब कितना मसाला देना है, कैसे पकाना है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने ये मेरे दोस्तों के साथ शेयर किया क्योंकि मैंने पहली बार मेरे माइक्रोवेव में फिश को ग्रिल किया है और सच में ये फिश बहुत ही टेस्टी बना था, बिल्कुल फैट फ्री है, इसमें ऑयल एकदम थोड़ा सा ही लगा है तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो देखिए मेरा भेट की ग्रिल फिश बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ ज़रूर परोसिए, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो भी ये परोसने में बहुत ही अच्छा लगेगा, गर्मा गर्म राइस के साथ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।